हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट हाउ टू रीड कैंट लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। एंड इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो, आई हैव रिकमेंडेड दिस बुक इन मेजर 4 रिकमेंडेड बुक्स ऑफ मटीरिया मेडिका फॉर AIPGET एंड UPSC और एनी ऑफ द स्टेट PSC एग्जामिनेशन। In that I have recommended the name of this book. So you can see that it is very very much important book while you are going through any of these situations or in your clinical practice also. It's a very very important book because in the previous video I have told you that these are the 4 books which you need for every aspect of your whether you are doing the clinical practice, whether you are going for any competitive examinations, these 4 books are important. In that 4 book, I have mentioned that Kent Lectures on Homeopathic Materia Medica is very important book. So, the most important feature of this book, whenever I ask any of the students that have you read Kent Lectures on Homeopathic Materia Medica, the most common answer they give is that इसको ख़त्म कैसे करें, बिकॉज इसमें से अगर कोई मेडिसिन पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि अब क्या। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू करते हैं कैंट लेक्चर्स को पढ़ना, लेकिन एट द लास्ट क्या होता है कि लेंदी है, इसकी वजह से वो जो है इसको छोड़ ही देते हैं कि ये तो छोड़ो, अपन दूसरी बुक देख लेते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने यही वाली हूँ कि आपको कैंट लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका को पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि अगर आपको पढ़ना इसको आ जाएगा सो यू कैन कम्प्लीट द चैप्टर्स वेरी इजिली, यू कैन कम्प्लीट द मेडिसिन वेरी इजिली। ओके, सो दिस इज द बुक ऑफ लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर JT कैंट, एंड दिस इज द बुक which you must know how to study it. So if I discuss about the important features of this book, so the book is written in the way that when you start any of the medicine in it, you will find out the specific sequence of the medicine which is written. So what is the sequence I am going to discuss with you? First of all, when you see the medicine, there are the 3 parts in which the medicine is written. Okay, first part is the keynote part. जब भी आप कोई सी मेडिसिन इसमें उठाओगे तो आपको कीनोट्स मेडिसिन के लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कीनोट्स को भी कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले कीनोट्स को लिखा हुआ है, फिर कीनोट्स को भी कंपेयर किया हुआ है दूसरी मेडिसिन के कीनोट से। सपोज डिस्कसिंग एनी ऑफ द मेडिसिन कि इसका कीनोट फीचर ये है, तो साथ ही साथ लिखा हुआ है कि दूसरी मेडिसिन जो है उसका कीनोट फीचर ये है, तो यहाँ से आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से कीनोट्स को लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमने डिस्कस कर लिया कि कीनोट्स हैं, कीनोट्स के बाद कीनोट्स का कंपेरिजन है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर, हेड टू टो के फीचर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। द कैंट हैज स्पेसिफाइड, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हेड फीचर्स। तो हेड को जब इन्होंने लिखा हुआ है तो उस हेड में भी आप देखोगे कि इस तरीके से लिखा हुआ है कि वहाँ पर उसकी मोडालिटीज़ भी आ गई, जो भी जो सिम्टम्स जो हैं लिखे हुए हैं हेड के, उनकी मोडालिटीज़ भी आ गई है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि सारे कीनोट फीचर्स वापस रिपीट हो गए हैं। जो कीनोट फीचर्स इन्होंने शुरू में डिस्कस किए थे वो कीनोट फीचर इन्होंने वापस लिखे हैं उस हेड सिम्टम को एक्सप्लेन करने के साथ, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जब आप कैंट से पढ़ने लग जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि साथ की साथ आपका जो है रिविजन भी होता जा रहा है, क्योंकि अगर आपने हेड उठाया तो हेड में भी आपको जो कंपेरिजन है वो तो साथ में देखने को मिलेगा ही कि ये इस मेडिसिन का इन से कंपेयर भी किया हुआ है। साथ की साथ उसकी मोडालिटीज़ को भी लिखा हुआ है और फिर कीनोट फीचर्स को भी वापस लिख दिया, जो कीनोट फीचर्स इन्होंने शुरू में डिस्कस किए थे तो वो कीनोट फीचर वापस आ गए। सपोज ये गए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स इन्होंने लिखना चालू किए, तो वहाँ पे इनकी मोडालिटीज़ भी बताई, कीनोट फीचर्स भी बताए, कीनोट कंपेरिजन भी बता दिया, फिर अगर साथ में कुछ कीनोट कंपेरिजन है, और फिर इन्होंने जो कॉमन कीनोट फीचर्स थे मेडिसिन के वो वापस से रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिख दिए। तो जब आप एक मेडिसिन को कैंट से पढ़ना चालू करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा
कि साथ के साथ जो है कंपैरिजन भी किया हुआ है मेडिसिन का, साथ के साथ आप देखो कीनोट्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है किसी एक सिम्टम पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा जो एस्पेक्ट है मेडिसिन का वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टोरी फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आप देखोगे कि देयर इज़ नो डिवीजन, स्टोरी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समराइज करके बता रही हूँ कि ये इस पैटर्न में ये जो बुक है ये लिखी हुई है, एंड द बेस्ट पैटर्न जो हर स्टूडेंट को चाहिए जब वो पढ़ाई करते हैं कि हमें तो एक सिंपल पैटर्न बता दो कि ये लिखी किस पैटर्न में है, ताकि हम उसको फॉलो करते हुए किसी मेडिसिन को पढ़ लें। तो मैंने आज आपको बता दिया, अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूँ तो समराइज सिंपल ये है कि सबसे पहले मेडिसिन के कीनोट्स को लिखा हुआ है, कीनोट्स के बाद उनके कीनोट्स को कंपेयर किया हुआ है, और उसके बाद जो हेड टू टो के सिम्टम्स हैं उनको लिखा हुआ है। लेकिन हेड टू टो के सिम्टम्स के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि मोडालिटीज़ भी लिख रखी हैं। मोडालिटीज़ के बाद उन्होंने जो कीनोट फीचर्स शुरू में डिस्कस किए थे, कॉमन फीचर्स मेडिसिन के, वो भी साथ के साथ मेंशन कर रखे हैं। सो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट बुक दैट यू मस्ट हैव in your bookshelf while studying, and today I have discussed that how to study this book, and if you have not purchased this book, please buy it and start reading it, because it's a very very important book for your materia medica students must have this book. So that's all for today's video. If you have not seen my previous video regarding how to study the EB Nash and how to study the एलेंस की नोट और हाउ टू स्टडी दी बोरिक मटीरिया मेडिका और फोर मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स, ऑल द वीडियो लिंक्स आर गिवन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर द डेज वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।